हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपीआईस काउंसलिंग 2023 की। तो यूपीआईस काउंसलिंग 8 अगस्त से, मतलब आज से स्टार्ट होने वाली है 1 बजे से। तो आपको मैं ले चलता हूँ यूपीआईस काउंसलिंग के टाइम टेबल पर। तो हम बात करेंगे कि कब रजिस्ट्रेशन होंगे, कब पेमेंट करना है और कब अलॉटमेंट होगा। तो आइए चलते हैं। ऑनलाइन पंजीकरण एवं अभिलेखन अपलोड करने की तिथि 8 से लेकर 10 तक, मतलब 3 दिवस की यह है। आपको 1 बजे से लेकर 8 तारीख से 10 तारीख को रात को 12 बजे तक आप पंजीकरण कर सकते हैं। धनराशि जमा करने की तिथि 8 से लेकर 11 तक है, ये भी आपको 12 बजे तक कर सकते हैं आप। ऑनलाइन अभिलेखनों का सत्यापन 9 से लेकर 13 तक आपको अभिलेखन, मतलब आपके डॉक्यूमेंट्सों का सत्यापन करना। फिर उसके बाद पंजीकृत अभिलेखों की मेरिट लिस्ट आपको ये 14 तारीख को मिल जाएगी। आप 14, फिर अगले दिन आप 15 से लेके 16 तक चॉइस फिलिंग कर सकते हैं मेरिट लिस्ट के आधार पर। फिर अंतिम सीट आवंटन सूची का प्रकाशन 17 तारीख को होगा, आपको सीट मिल आवंटन हो जाएगा। नोडल सेंटर पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको 18 तारीख दी गई है। आवंटन डाउनलोड करने की तिथि आपको, मतलब अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड 22 तारीख को करना है। और प्रवेश अभ्यर्थी द्वारा अपग्रेडेशन हेतु सहमत अंतिम तिथि 22। तो ये आपको कॉलेज जाकर ही अपग्रेडेशन कराना पड़ेगा। आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, मैंने अभी अपलोड की थी। तो नोडल सेंटर पर अंतिम आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी के लिए 24 तारीख दी गई है। और अपग्रेडेड आवंटन पत्र डाउनलोड करने एवं आवंटित संस्थान प्रवेश करने की अंतिम तिथि 25 तारीख दी है। तो गाइस, आप बहुत सोच समझ कर अपग्रेडेशन कराना। अगर आपको लगता है मुझे नेक्स्ट कॉलेज मिल जाएगा और मुझे फिर वो लेना है, तो ही आप अपग्रेडेशन कराएं। नहीं तो आपको अपग्रेडेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो आपसे यही बोलना चाहूँगा। तो अब हम चलते हैं फ़ीस के बारे में। तो उन्होंने फ़ीस के बारे में, सिक्योरिटी मनी के बारे में साफ बोला है कि यहाँ से सिक्योरिटी मनी कोई वापस नहीं की जाएगी अगर आपको कॉलेज एडलोटेड नहीं होते हैं। तो हम बात करते हैं राजकीय आयुष कॉलेजों के लिए उन्होंने 20,000 रुपये की धनराशि रखी है। और निजी कॉलेजों के लिए यानी प्राइवेट कॉलेजों के लिए 50,000 धनराशि आपको जमा करनी पड़ेगी। और आपको साफ बता दिया है कि आपको धनराशि वापस नहीं करी जाएगी, तो आप इस बात का ध्यान रखिए, तो आपको कोई बाद में प्रॉब्लम हो, है ना। तो अब ऐसे अभ्यर्थी तथा जो द्वितीय अपग्रेडेशन के उपरांत महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेते, वे धनराशि पुनः जमा कर द्वितीय तृतीय चक्र में प्रतिभाग कर सकते हैं। मतलब जो प्रथम अथवा द्वितीय चक्र में आवंटन अपग्रेडेशन के उपरांत आयुष में प्रवेश नहीं लेते, उन्हें धनराशि पुनः जमा करनी पड़ेगी और फिर तृतीय भाग में उपरांत कर सकते हैं। और धरोहर राशि का भुगतान न करने की दशा में अभ्यर्थी को विकल्प चयन भरने का अवसर नहीं मिलेगा। अगर आप धनराशि नहीं भरते तो आपको अभ्यर्थी चयन करने का नहीं मिलेगा मौका, तो आप अपनी चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते। राशि उसी अभ्यर्थी को धरोहर धनराशि उसी बैंक खाते में वापस की जाएगी जिस बैंक खाते से धनराशि का भुगतान प्राप्त हुआ है। अर्थी साइबर कैफे या किसी अन्य से पंजीयन कराते समय इस बात का ध्यान रखें। तो आपकी धनराशि जहाँ से आप ऑनलाइन करोगे या खुद से करोगे, तो आपके उसी अकाउंट में वापस आएगी जिससे आपने भुगतान किया है। अगर आप ऑनलाइन वाले से करवाते हो तो आपके ऑनलाइन वाले के पास वापस आ जाएगी। तो इनने एक थर्ड पॉइंट में आपको ये बता देता हूँ, यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा कहा है कि अगर आप CCC के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है, अगर वहाँ आपको सीट मिल गई है, तो यहाँ से आपकी धनराशि वापस कर दी जाएगी। आप यूपी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने CCC की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया हुआ है तो। और आपको मैंने ये वाली बात बताई दी कि आपके लिए प्राइवेट काउंसलिंग वगैरह के लिए 50,000 रुपये धनराशि चाहिए आपको, और गवर्नमेंट के लिए 20,000 रुपये। तो यहाँ से आपको राउंड फर्स्ट में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट करना है, फ़ीस करना है, फिर उसके बाद ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, पब्लिकेशन ऑफ स्टेट मेरिट लिस्ट आएगी, फिर चॉइस फिलिंग करना है, फिर टेंट अलॉटमेंट होगा सीट, फिर उसके पास आपको वेरिफिकेशन नोडल सेंटर पर जाना पड़ेगा। फिर आपको अगर अपग्रेडेशन कराना है तो कॉलेज में ही आपको बोलना पड़ेगा कि मुझे अपग्रेडेशन कराना है। और गाइस, आप बाकी की जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहें, मुझे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं फिर।